आज है 9 मई 2024 और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। बड़वानी में धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के तहत 13 मई को जिले में होने वाले मतदान को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल फतेह ने शांतिप्रिय तरीके से मतदान के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन दंड प्रक्रिया संहिता 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इस आदेश के तहत जिले की पूरी राजस्व सीमा में विभिन्न तरह के रोक लगाए गए हैं। हालांकि घर घर जाकर प्रचार अभियान द्वार से द्वार करना प्रतिबंधित नहीं रहेगा। साथ ही विवाह, मृत्यु आदि सामाजिक प्रयोजनों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। आगामी 11 मई की शाम 6 बजे से 13 मई को मतदान समाप्ति तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इतना नहीं, एक साथ आवाजाही भी नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में जनजातीय व स्कूल शिक्षा विभाग को दी 15 दिन की मोहलत। जबलपुर हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 की तहत चयन प्रक्रिया की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश जनजातीय विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी है। रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी नर्मदापुरम की बेटी, चिल्ड्रन एशियाई खेल के लिए चारू चीचाम का चयन। रूस में 27 जून से 8 जुलाई तक होने वाले चिल्ड्रन एशियाई खेल में नर्मदापुरम की बेटी चारू चीचाम भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चारू चीचाम का चयन चिल्ड्रन एशियाई खेल में कुराश टीम में हुआ है। हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित प्रतियोगिता में समेरिटन्स की छात्रा चारू चीचाम का चयन 8वें चिल्ड्रन गेम्स ऑफ एशिया के लिए हुआ है। उसका चयन 44 किलो वजन समूह में हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। झाबुआ बोलासा जिले की ग्राम पंचायत पिथरी के अम्बापाड़ा में सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश में समस्त गौशालाओं की राशि को दुगना की जाएगा, जिससे गौ माता का संरक्षण हो सके। आज बड़वानी आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, निवाली और पाटी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन बड़वानी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के जन समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव 9 मई गुरुवार को पानसेमल विधानसभा के निवाली में सुबह 11 बजे व बड़वानी विधानसभा के ग्राम पाटी में दोपहर करीब 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़वानी जिले में स्वसहायता समूह की दीदियां करेगी भोजन व्यवस्था। चाय प्रति कप 8 रुपए, नाश्ता 25 रुपए प्लेट तो भोजन 75 रुपए प्रति थाली मिलेगा। जिले के मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए जाने वाले दलों के सदस्यों के लिए 12 एवं 13 मई के लिए स्वसहायता समूह की दीदियों के माध्यम से सशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी। जिप सीओ काजल जावला ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिले में कार्यरत स्वसहायता समूह को निर्देशित किया है कि वे मेन्यू अनुसार मतदान दल के सदस्यों को चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था 12 एवं 13 मई को करेंगे। चाय 8 रुपए प्रति कप की दर से, नाश्ता 25 रुपए प्रति प्लेट की दर से तथा भोजन 75 रुपए प्रति थाली की दर से वितरित किया जाएगा। पोलिंग टीम की बस में आग लगने से 4 ईवीएम जली, खिड़की से कूदकर बचाई जान। बैतूल में ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई, इसमें 4 ईवीएम जल गई हैं। हादसा साईखेड़ा थाना क्षेत्र के सोनोरा गोला के पास मंगलवार रात 11:30 बजे हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बस में 6 मतदान केंद्रों के कर्मचारी सवार थे। सभी ने खिड़कियों के कांच तोड़े और समय रहते बाहर कूदकर जान बचाई। बैतूल के मुल्ताई में 4 केंद्रों पर होगा पुनर्मतदान। चुनाव कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग से ईवीएम को पहुंचा था नुकसान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों की सामग्री बस के साथ जल जाने के बाद अब इन केंद्रों पर 10 मई को मतदान संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। पीएम मोदी का नया आरोप, अंबानी अदानी ने कांग्रेस को टैंप भरकर नोट भेजे। पीएम मोदी बुधवार 8 मई को तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो 5 साल से एक ही माला जप रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी। 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अदानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, तब से इन्होंने अंबानी अदानी को गाली देना बंद कर दिया। मोदी जी घबरा गए क्या?
राहुल गांधी ने अदानी अंबानी पर पीएम मोदी को चुनौती दे दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। इसमें वो कह नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी और अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी और अंबानी बोला है, और आपको ये भी मालूम है कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? एक काम कीजिए, आप सीबीआई और एड को इनके पास भेजिए, पूरी जानकारी करिए, जांच कराए, जल्दी से जल्दी करिए, घबराए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा कर कह रहा हूँ कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे।